सदियों पुरानी एक कहानी है सिकंदर महान की, जिसे दुनिया विश्व विजेता का तमगा पहनाती है। जब सिकंदर ने अपने अभियान की शुरुआत की, उसके रास्ते में पड़ने वाले साम्राज्य एक एक कर नतमस्तक होते चले गए। एक साल के भीतर उसने अंटोलियो, मेसोपोटामिया और पर्शिया पर कब्जा कर लिया। आगे अफगानिस्तान था। सिकंदर को लगा ये तो कुछ दिनों की बात है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसका गणित उल्टा पड़ गया। एक अंतहीन जंग शुरू हो गई। छोटे छोटे अफगान कबीलों ने सिकंदर की सुसज्जित सेना को हांफने पर मजबूर कर दिया। होते होते 3 बरस बीत गए। फिर एक दिन सिकंदर के नाम एक चिट्ठी आई। उसकी मां ने तंज कसते हुए पूछा, तुम कैसे योद्धा हो जो 3 बरस में उस छोटी सी जगह पर अटके हुए हो? क्या कभी आगे बढ़ पाओगे? सिकंदर ने खत पढ़ा और एक थैली में अपने आसपास की मिट्टी भर ली और फिर संदेश भेजा, माँ इस मिट्टी को अपने घर के आहाते में बिखेर देना। सिकंदर की माँ ने वैसा ही किया। अगले ही दिन से मैसिडोनिया के कुलीन लोग आपस में लड़ने लगे और वहां भयानक मारकाट मच गई। और उसी समय से एक कुख्यात लोकोक्ति चलने लगी, अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, अफगानिस्तान साम्राज्यों की, महाशक्तियों की कब्रगाह है। सिकंदर ने बाद में अफगानिस्तान को जीता भी, लेकिन बहुत लंबे समय तक उसका राज नहीं चला। जितने भी समय शासन रहा, खून खराबा होता रहा। अब आप कहेंगे तब अफगानिस्तान नहीं है, नहीं था। हम कहेंगे उस जमी को आज अफगानिस्तान कहते हैं, तब अलग अलग इतिहास के स्रोतों में अलग अलग नाम है। पर आप किस्से का फलसफा समझिए कि अफगानिस्तान के लिए ये शब्द, ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल होते हैं। और ये सिर्फ सिकंदर की बात नहीं है, 19वीं सदी में यही हाल ब्रिटिश राज का हुआ। दुनिया के तमाम हिस्सों पर कब्जा करने वाले अंग्रेज अफगानिस्तान पर कभी तसल्ली से शासन नहीं कर पाए। और हालिया इतिहास की बात करें तो हमारे सामने 2 ताज़ातरीन उदाहरण हैं। दुनिया की 2 महाशक्तियां सोवियत संघ और अमरीका, दोनों अफगानिस्तान में बड़े बड़े अरमान लिए आए और उन्हें हासिल क्या हुआ? बेहिसाब बर्बादी और निराशा। सोवियत संघ का कोटा तो 80 के दशक में ही पूरा हो गया। बचा अमेरिका, वो 2 दशक के बाद अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल रहा है। अगस्त 2021 में घर वापसी का अमेरिकी प्लान पूरा हो जाएगा। अब अमेरिका जा तो रहा है, लेकिन उसने जो जमीन तैयार की उस पर तालिबान महल खड़े करने के लिए तैयार है, और बहुत ही तेज रफ्तार से वो ऐसा कर रहा है। पिछले 6 दिनों में उसने अफगानिस्तान की 10 प्रांतीय राजधानियों को जीत लिया है, बाकी जगहों पर बढ़त है, और तमाम संसाधनों के बावजूद अफगान सेना कमतर साबित हो रही है। राजधानी काबुल अफगान सरकार का आखिरी गढ़ है, अब वो तालिबान की पहुंच से दूर नहीं। अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि 3 महीनों के अंदर काबुल पर तालिबान का झंडा लहरा सकता है। 12 अगस्त की दोपहर अफगान सरकार ने तालिबान को एक और ऑफर भी दिया। इन सब संभावनाओं और आशंकाओं के बीच क्या था ये ऑफर? उन्होंने कहा कि तालिबान को सत्ता में शामिल किया जाएगा, यानी पावर शेयरिंग की जाएगी, बशर्ते वो हमले बंद कर दे। अभी तक सरकार तालिबान से लोहा लेने का दम भर रही थी, लेकिन इस ऑफर से साफ जाहिर है कि अफगान सरकार को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। अफगानिस्तान ने यह ऑफर कतर के जरिए तालिबान तक पहुंचाया है। कतर अफगान शांति वार्ता की मेजबानी कर रहा है। बहुत कम संभावना है कि तालिबान इस ऑफर को स्वीकार करे। जब वो अकेले दम सत्ता हासिल करने की काबिलियत रखता है तो शेयर क्यों करे। लेकिन इन दोनों ही सूरत में अफगानिस्तान पर तालिबान राज की वापसी तय है। इससे पहले तालिबान ने 1996 से 2001 तक इस देश पर शासन किया था। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि तालिबान के नाम का इतना हवा क्यों है, तालिबान से आखिर लोग इतना डर क्यों रहे हैं, और तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में क्या बदल जाएगा, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी देख रहे हैं। चलिए हमेशा की तरह पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। क्या बैकग्राउंड? मसलन कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के लिए अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण, अमेरिका और पाकिस्तान का मुजाहिदीनों को सपोर्ट करना, फिर 1988 का जेनेवा एकॉर्ड और फिर सोवियत संघ की अफगानिस्तान से वापसी। सोवियत संघ जब निकल रहा था उस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे मोहम्मद नजीबुल्ला। उन्होंने देश में कुछ सुधार लाने की कोशिश की। कम्युनिस्ट होने के बावजूद मल्टी पार्टी सिस्टम लागू किया, निर्वासन में रह रहे उद्योगपतियों को वापस बुलाया और हिंसा के बजाय शांति पर जोर दिया, और इसके लिए बातचीत के दरवाजे खोले। उधर मुजाहिदीन, उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, कुछ तो काम धंधे में वापस लौट गए, लेकिन बाकियों की नजर काबुल पर थी। कुर्सी एक, दावेदार कई,
यानी संघर्ष होना तय था और ऐसा ही हुआ। मुजाहिदीनों के अलग अलग गुट बन गए। इन्हीं में से एक गुट आगे चलकर तालिबान के नाम से जाना गया। भले ही सोवियत संघ ने अपने सैनिकों को वहां से निकाल लिया था, लेकिन वो बाहर जाने के बाद भी नजीबुल्ला को लगातार सपोर्ट कर रहा था, हर तरह की मदद भी दे रहा था। लेकिन ये सहारा ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहा। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। गोरबचोव के दिन फिर गए और फिर सोवियत संघ रूस बन गया। और इसके पहले राष्ट्रपति बने बोरिस येल्सिन, और उन्होंने अफगानिस्तान को दी जा रही मदद अचानक से बंद कर दी। अब नजीबुल्ला अकेले पड़ गए। उनके साथियों ने एक एक कर हाथ खड़े कर दिए और अप्रैल 1992 में नजीबुल्ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुजाहिदीनों को मौका मिल गया, रास्ता जैसे खुल गया था। और नजीबुल्ला वो मुजाहिदीनों के लिए दुश्मन नंबर वन था, और उसको सजा देकर उदाहरण पेश करना इन मुजाहिदीनों के लिए जरूरी था। नजीबुल्ला को इसका अंदेशा था। उन्होंने अफगानिस्तान से बाहर शरण लेने की बहुत कोशिश की, पर असफल रहे। आखिर में उन्हें काबुल स्थित यूएन हेडक्वार्टर में जगह मिली। लेकिन सितंबर 1994 में कंधार में तालिबान की स्थापना हो चुकी थी इन सब के पैरल, और मुल्ला उमर के नेतृत्व में इस्लामिक अमीरात बनाने का लक्ष्य तय किया जा चुका था। तालिबान ने जल्द ही कंधार से पांव पसारना शुरू कर दिया और सितंबर 1996 तक वो राजधानी काबुल पहुंच गए। तालिबान के खिलाफ लड़ रहे अफगान सैनिक अब तक पस्त हो चुके थे, उन्होंने मोर्चा खाली कर दिया और 27 सितंबर 1996 को तालिबान के लड़ाके यूएन हेडक्वार्टर में घुस गए, जहां पर नजीबुल्ला और उनके भाई ने शरण ले रखी थी। अगले दिन दोनों की लाश चौराहे पर एक खंभे से टंगी मिली। दोनों को बुरी तरह पीटा गया था, चेहरे को कुचला गया था, और तो और नजीबुल्ला और उसके भाई के गुप्तांगों को चाकू से काट दिया गया था। ये तालिबान के शासन की पहली वानगी थी। नजीबुल्ला की हत्या के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया, जो अगले 5 बरस तक चला। और इस दौरान क्या हुआ? तालिबान ने पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया। उनका पहला शिकार बनी महिलाएं। धार्मिक पुलिस सड़कों पर कोड़े लेकर टहलती रहती थी। जो भी महिला सड़क पर अकेले दिखती या इनके हिसाब से पर्दे में कुछ कमी दिखती, तो उन महिलाओं को वहीं पर बुरी तरह पीटा जाता। एक आदेश जारी हुआ कि महिलाएं काम नहीं कर सकती, घर में रहना होगा। आप बाहर नहीं जा सकते तो पढ़ भी नहीं सकते। अगर किसी महिला को बाहर निकलना है तो घर के पुरुष के साथ पर्देदारी में निकलना होगा। बच्चियां भी स्कूल नहीं जा सकती। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो सजा मिलेगी, और ये सजा पिटाई से लेकर पत्थर मारकर हत्या तक की सजा हो सकती थी। पुरुषों के लिए नमाज पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। दाढ़ी कटाने पर रोक लगा दी गई। सरकारी दफ्तरों में तालिबान ने अपने लोगों को नियुक्त किया जिनका काम था कर्मचारियों से नमाज पढ़वाना। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सिनेमा घरों में ताले लगा दिए गए। यहां तक कि बच्चों के पतंग उड़ाने या कबूतर पालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तालिबान की क्रूरताओं का यह अंत नहीं था। समलैंगिकों और दूसरे अपराधियों को एक श्रेणी में रखा गया। हर शुक्रवार को उन्हें रस्सी में बांधकर शहर में घुमाया जाता और फिर किसी चौराहे पर सजा दी जाती। एक वक्त तक आते आते ये पब्लिक इवेंट में तब्दील हो गया। जिन भी लोगों ने किसी भी तरह से तालिबान का विरोध किया, उनका दिन दहाड़े कत्ल होने लगा। कानून का कोई नाम लेवा नहीं, जैसा कि अभी भी हो रहा है। नाटो सेना के लिए इंटरप्रेटर का काम करने वाले अफगान नागरिकों की भी हत्या हो रही है। इस वक्त बिना तालिबान की इजाजत के मीडिया को एंट्री नहीं दी जाती थी। उन्हें वही देखने दिया जाता जो वो दिखाना चाहते, और 2 दशक बाद भी वैसे ही हालात हैं। स्थानीय पत्रकारों को सरेआम मारा जा रहा है। तालिबान का हुक्म मतलब क्रूर आतताइयों का, मूर्खों का, आतंकवादियों का हुक्म, और अगर उसे ना मानो तो फिर मर जाओ, शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं। जिन महिलाओं के पति जंग में मारे गए, उन्होंने गुहार लगाई, काम करने दिया जाए ताकि अपना और बच्चों का पेट पाल सकें। लेकिन तालिबान ने उन्हें पीटने का हुक्म दिया और बोले, अल्लाह सबका ख्याल रखेगा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। इन सब के अलावा तालिबान ने दुनिया भर के आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह दी। उज़्बेकिस्तान से लेकर चेचनिया तक के आतंकवादी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कर दूसरे देशों में बेगुनाहों की हत्या करते थे। भारत में भी अफगानिस्तान से ट्रेनिंग पाए आतंकवादी आते थे। ये सब तब तक चलता रहा जब तक अलकायदा ने अमरीका पर 9/11 का हमला नहीं किया, और फिर अमरीका ने बदला लेने की नीयत से अफगानिस्तान पर हमला किया। उसके साथ नाटो भी आया। 3 महीने में ही तालिबान को काबुल से खदेड़ दिया गया। अमरीका को लगा अफगानिस्तान से तालिबान को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। उसने और सेना उतारी, खर्च और बढ़ाया, लेकिन बीतते बीतते 20 बरस हो गए, तालिबान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो सुदूर इलाकों में जड़ जमाकर बैठा रहा, और जब अमरीका थकने लगा तो उसने जबरदस्त वापसी की, ऐसी कि अब अमरीका को अपनी सारी कुर्बानियां जाया होती दिख रही हैं।
इसके बावजूद वो रुक कर उसका जायजा भी नहीं लेना चाहता। फरवरी 2020 में अमरीका और तालिबान के बीच एक समझौता हुआ था। तालिबान ने वादा किया था वो विदेशी सैनिकों पर हमला नहीं करेगा और अफगान जनता के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करेगा। तो क्या सच में तालिबान वादे के मुताबिक बदल गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया? जवाब है नहीं, सब एक छलावा था। तालिबान वापस अपने क्रूर रंग में आ चुका है। उसने पूरे अफगानिस्तान में शरिया कानून लगाने का वादा किया है, कहा है कि स्कूलों पर हमले नहीं करेगा। ये बात कही थी पर यह भी झूठी साबित हुई। मई 2021 में तालिबान ने लड़कियों के स्कूल को बम से उड़ा दिया। उस वक्त स्कूल में छुट्टी हो रही थी। इस घटना में 90 से ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने कब्जे वाले इलाकों में तालिबान हर घर से कम एक लड़की की शादी अपने लड़ाकों से करने का आदेश दे रहा है। महिलाओं को जो कुछ आज़ादी मिली थी वो खत्म होने वाली है। तालिबान ने साफ कहा है शरिया कानून पर किसी तरह का समझौता नहीं, यानी जैसे दो दशक पहले कुछ मूर्ख धर्मावलंबियों का राज चल रहा था, बिल्कुल क्रूरता के साथ, कट्टरता के साथ वैसा ही फिर से चलेगा। यहाँ पर ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ी एक खबर का जिक्र भी जरूरी है। जर्मनी हर साल अफगानिस्तान को लगभग 3,500 करोड़ रुपए की मदद देता था। उसने कहा है कि अगर अफगानिस्तान में शरिया लागू होता है तो एक पैसे की भी मदद नहीं करेगा, यानी अगर तालिबान सत्ता में आया तो सपोर्ट खींच लेगा। पश्चिम के बाकी देश भी इसी लाइन पर चल रहे हैं। और क्या इससे तालिबान को कोई डर है? क्या वो कमजोर पड़ जाएगा? कतई नहीं। इतने वर्षों से तालिबान को वेस्ट की मदद नहीं मिल रही थी, फिर भी उसने अपना वजूद बचा कर रखा, या यूं कहें कि पहले से अधिक मजबूत हुआ। कैसे? एक वजह तो है अफीम की खेती। जिन इलाकों में तालिबान का राज बना हुआ था वहां वे अफीम उपजाते और यूरोप के बाजार में बेचते। इसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ड्रग्स की तस्करी से आता। इसके अलावा जैसा कि अमरीका और काबुल आरोप लगाते हैं, तालिबान को रूस, ईरान, चीन और पाकिस्तान मदद दे रहे हैं। हाल में तालिबान ने चीन के साथ हाथ मिलाया, यानी वो इस लिस्ट में नया है। चीन को वैसे भी मानवाधिकार उल्लंघनों की कोई फिक्र नहीं, उन दोनों की दोस्ती खूब जमेगी। जिस भी देश को अफगानिस्तान में हित दिखेगा वो पैसे की पेटी लेकर वहां दाखिल होगा। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि काबुल की कुर्सी पर तालिबान बैठा है या वहां पर लोकतंत्र कायम है। बस एक ही लाइन गूंजेगी, लेट द प्रॉफिट रे। और इन सब में पिसते रहेंगे अफगानिस्तान के आम नागरिक, जो अभी चल रही लड़ाई के कारण दहशत में जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उनकी चर्चा फाइल के आखिरी पन्ने में दर्ज होती है और जब तक उनका नंबर आता है लोग और विचार ऊंघने लगते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से निश्चित तौर पर अंधकार युग की वापसी होगी और अब कोई चमत्कार ही इस अनहोनी से बचा सकता है, जिसकी संभावना दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। अंत में अफगानिस्तान में मचे भगदड़ के ताजा हालात भी सुन लेते हैं। तालिबान ने 34 में से 10 प्रांतीय राजधानियों को जीत लिया है 5 दिनों के अंदर। 12 अगस्त को तालिबान ने गजनी पर कब्जा किया। शहर छोड़कर भाग रहे गजनी के गवर्नर को अफगान सेना ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा अफगानिस्तान सरकार ने अपना आर्मी चीफ भी बदल दिया। जनरल वली मोहम्मद अहमद दजई जून से इस पद पर थे, उनके नेतृत्व में सेना तालिबान को रोकने में नाकाम रही। अब सरकार नए आर्मी चीफ पर दांव लगा रही है। 11 अगस्त को अफगानिस्तान के कार्यवाहक वित्त मंत्री खालिद पेयंदा ने इस्तीफा दे दिया और फिर वो देश छोड़कर भाग गए। ये अब तक का हाल है और हमें डर है कि वहां से लगातार बुरी खबरें आती रहेंगी। हमने आपको पहले भी विस्तार से अफगानिस्तान में भारतीय हितों के बारे में, भारत के निवेश के बारे में बताया था, आगे भी बताते रहेंगे। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। राजधानी कैनबरा में पिछले एक साल में कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया, जिसके बाद एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया, यानी बाहर निकलते वक्त लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा। सिडनी और मेलबर्न, दो बड़े शहर, पहले से ही लॉकडाउन में है। उधर ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी न्यूजीलैंड ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इस साल के अंत तक बंद रखने का फैसला किया है। वहां की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने कहा है कि 2022 की शुरुआत से चरणबद्ध तरीके से न्यूजीलैंड की सीमा खोली जाएगी। ये तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात हुई। अमरीका भी कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से परेशान है। पिछले कई दिनों से रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं और कई शहरों में ICU बेड खत्म होने की कगार पर है। ये बाकी दुनिया के लिए चेतावनी है। वैक्सीनेशन के साथ साथ सावधानी भी बरतें, वरना हालात फिर से बेकाबू हो जाएंगे। दूसरी सुर्खी सेरेब्रेनिका नरसंहार से जुड़ी है। जुलाई 1995 में सर्ब सेनाओं ने सेरेब्रेनिका में 8,000 से ज्यादा मुसलमानों की हत्या कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों ने इसे नरसंहार की श्रेणी में रखा। इस नरसंहार का मास्टरमाइंड राटको म्लादिच उम्र कैद की सजा भुगत रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो इस नरसंहार को झूठा मानते हैं और कई इसका बखान करते हैं। और ट्विटर और गूगल, उसने कहा है कि अब जो बखान वाला कंटेंट है हम उसको बैन करेंगे।
अगर आप इस नरसंहार के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप दुनियादारी का पुराना एपिसोड जिसमें सेरेब्रेनी का नरसंहार के बारे में विस्तार से बताया गया था उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी अल्जीरिया से है। उत्तरी अल्जीरिया के जंगलों में लगी आग ने 65 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली, मरने वालों में 30 सैनिक भी हैं। अब सैनिक वहाँ क्या कर रहे थे? आग बुझाने का काम कर रहे थे। 3 दिन का राष्ट्रीय शोक, पर खबर ये नहीं है। खबर ये है कि सरकार का कहना है कि आग जानबूझकर लगाई गई। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ भी हो रही है, पर अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऐसी वाइल्ड फायर ग्रीस, स्पेन, तुर्की, लेबनान, इटली और अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी तबाही मचा रही है। आज की दुनियादारी में इतना ही। दुनिया की कुछ अच्छी कुछ बुरी खबरें आप तक लाते हैं ताकि देश जो इस दुनिया का हिस्सा है कुछ बेहतर हो सके। आप अपना ख्याल रखिए। उम्मीद है कर फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। शुभ रात्रि।